कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में काफ़ी समय से अपमान का सामना करना पड़ रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह कि अब बीजेपी के नेता खुलेआम सिंधिया पर हल्ला बोल रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से बीजेपी विधायक राकेश गिरी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें देखने को मिल रहा है कि राकेश मीटिंग के दौरान खुलकर सिंधिया पर चंदा वसूली का आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी विधायक का कहना है कि विकास यादव नाम का एक शख्स सिंधिया के नाम पर महिला बाल विकास समिति से कई बार चंदा वसूल चुका है और वो ब्राह्मणों पर अत्याचार भी कर रहा है। राकेश गिरी ने कहा कि वो चुप नहीं बैठने वाले और सिंधिया की काली करतूत के बारे में सबको बताएंगे। चौंकाने वाली बात तो है कि इस मीटिंग में सिंधिया के करीबी राज्य मंत्री और जिला प्रभारी सुरेश धाकड़ भी मौजूद थे। वहीं वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस इस पर जमकर चुटकी ले रही है और कांग्रेस ने सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि महाराज जी, ये सम्मान कुछ ज्यादा नहीं हो गया। SPN9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।